है फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम ये पार्ट टू की वीडियोस ला रहे हैं। आपका केमिस्ट्री का ये पेपर है, मोस्ट वीवीआई ऑफ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर CrO2 है, क्रोमियम डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन बेरवेदार ठोस है? तो उसको ग्लास बोलते हैं, कांच। ऑप्शन नंबर बी सही है, SiO2। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो 1 मोलारिटी NaOH का सबसे ज्यादा क्वथनांक होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। किस घोल, एक घोल है जिसका परासरणी दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण कितना होगा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला निकालिएगा तो 0.00033 आएगा। HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा, यानी कि HCl और H2O में इस मिश्रण में मिक्सचर में क्या होगा? तो 20% के करीब HCl पाया जाता है, तो 20.2% HCl। 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी किसके? तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर किस पर निर्भर करता है? तो सक्रिय भार होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो किसके लिए प्रयुक्त है? तो समय अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है उत्प्रेरक। सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः किससे संकेंद्रित किया जाता है? तो वो है फेन उत्प्लावन विधि। याद कभी भी कर लीजिएगा, सल्फाइड अयस्क को फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित त्रिभाष्मिक कौन है? त्रिभाष्मिक इसमें से कौन है? तो H3PO4 को त्रिभाष्मिक बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है व्हाइट फास्फोरस पी फोर वस्तु की P4 अणु में इनमें से क्या सही है, सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि इनमें से क्या सही नहीं है। तो इसमें से जो सही नहीं है वो 4 lone pair इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी है कि 4 lone pair इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो N-1, D-1-10, NS-0, 1 या 2 हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा, उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 होगा। नेक्स्ट है K2CrOX3 में क्रोमियम का उपसह संयोजक संख्या क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें से ए सही है, ऑप्शन नंबर 6 आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट को प्रभावी परमाणु संख्या CoEn का हॉल 2 Cl2 का प्लस है, कॉम्प्लेक्स आयन में कितना होगा, यानी कि कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु संख्या निकालना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 36। अगला है गिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए इथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया किया जाता है? तो इथाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी C2H5Cl। 1 degree 2 degree 3 degree अल्कोहल में जांच किससे ज्ञात किया जाता है? तो जांच तीनों से ज्ञात किया जाता है, ऑक्सीकरण विधि, विक्टर मेयर विधि, लुकास प्रतिक्रिया, यानी कि इसमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, तीनों से कर सकते हैं। अगला है इथाइल एसीटेट एवं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ये बनाएगा 3 degree अल्कोहल, 3 OH बनाएगा, इथाइल एसीटेट में 2 ठो 3 ठो, और ये CH3MgBr इसके साथ रिएक्शन करेगा तो 3 degree अल्कोहल बनाएगा। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु क्या होते हैं? तो sp2 प्रसंकरण वाले होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु sp2 होते हैं। प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? दिया गया है RCOCl, आर्गन कार्बन चेन COCl प्लस H2 गिब्स RCHO प्लस HCl, इसको कहा जाता है रोजेनमुंड अभिक्रिया या प्रतिक्रिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन कनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है, यानी कि इनमें से किसे कनिजारो अभिक्रिया में भाग लिया जाता है? तो इसमें से HCH जो है कनिजारो में भाग लिया करता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भाष्मीयता का आधार पे इनमें से कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पहले अमोनिया NH3, फिर C2H5NH2, फिर जैसे जैसे कार्बन का अगर जुड़ते जाएगा तो उसका वैल्यू
उसका क्षमता कम होता जाएगा, यानी कि उसका घटता हुआ क्रम सही है ऑप्शन नंबर ए। यानी कि पहले NH थी, फिर कार्बन आया उससे कम हो गया, फिर ज़्यादा कार्बन आया फिर उससे कम हो गया, फिर ज़्यादा कार्बन आया उससे कम होता चला जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिन एंड एसिटाल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो एनालिन और एसिटाल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके स्किप्स बेस बनाते हैं, स्किप्स बेस याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित शुगर में से कौन सा मीठा है, सबसे मीठा है, सबसे मीठा सुक्रोज है, ऑप्शन नंबर सी सही है। एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रोटीन है, प्रोटीन में हर एक प्रोटीन में जो प्रोटीन बनता है उसमें एंजाइम ही क्रियाशील होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेचुरल नंबर निम्नलिखित में से बहुलक है किसका, नेचुरल नंबर जो बहुलक है वो आइसोप्रीन का है, याद कर लीजिएगा, बहुलक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब निकलता है। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है, यानी कि टाइक्वाफाइड लिखा हुआ है, टाइफाइड पढ़ेंगे इसको, टाइफाइड में जो प्रतिजैविक है वो क्लोरोफेनिकोल है, क्लोरामफेनिकोल, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।